तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है सितंबर में और उसका जो डिज़ाइन है वो लीक हो चुका है। तो उसके डिज़ाइन के बारे में आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स नए ऐड किए गए हैं। आईफोन 16 के बारे में जितनी भी जानकारी गाइस आपको चाहिए आज इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए आपको क्या करना है वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। तो गाइस पहले बात करेंगे हम कि क्या चेंज किया गया है आईफोन 16 में। पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो कैमरा दिया गया है वो इस बार वर्टिकल दिया गया है। और गाइस जैसा कि बहुत लोग सोच रहे थे कि आईफोन 16 अब धीरे धीरे करके अपने जो बटन्स है उनको खत्म कर देगा, लेकिन गाइस यहाँ पर 2 बटन और एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं इस बार। और गाइज इस बार थोड़ा डिस्प्ले में चेंज किया गया है, डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी मिलती है आपको। आईफोन 16 में आपको मिलती है 6.1 इंच की और वहीं आपको 16 प्लस में मिलती है आपको 6.7 इंच की, और आईफोन 16 प्रो में आपको मिलेगी 6.3 इंच की, और वहीं आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स में मिलेगी 6.9 इंच की। अगर बात करें इसके रिफ्रेश रेट की तो आपको आईफोन 16 में मिलेगा 60Hz का रिफ्रेश रेट, वहीं आपको 16 प्लस में मिलेगा आपको 60Hz का, और प्रो में मिलेगा आपको 120Hz रिफ्रेश रेट। और इसकी बैटरी में भी कुछ चेंज किया गया है गाइस। इसमें आपको 4600mAh की बैटरी मिल सकती है और इसमें जो चार्जर मिलेगा आपको 40 वाट का चार्जर मिलने वाला है और जो वायरलेस चार्जर है वो आपको 20 वाट का मिलेगा। और इसकी आईपी रेटिंग भी आपको सेम 68 देखने को मिलने वाली है। और बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो इसमें आपको iOS 18 देखने को मिलने वाला है और डिस्प्ले टाइप इसमें आपको आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस में OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और वहीं आपको प्रो में LTPO OLED डिस्प्ले मिलने वाली है। बात करें इसके मैक्सिमम ब्राइटनेस की तो इसमें भी आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। इस बार नॉन प्रो आईफोन में भी आपको A18 का चिपसेट मिलने वाला है। बात करें इसके प्रोसेसर की तो आपको आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस में आपको हेक्सा कोर का 3.78 GHz का प्रोसेसर मिलने वाला है, वहीं प्रो में आपको 3.82 GHz का प्रोसेसर मिलने वाला है। बात करें इसकी GPU के बारे में तो आपको इसमें एप्पल GPU 6 कोर ही मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज के बारे में। जो आपका आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस है उसके लिए आपको 6 GB रैम और 128 GB, 256 GB और 512 GB की स्टोरेज मिलने वाली है, वहीं प्रो में आपको 8 GB रैम और 512 GB और 1 TB तक की स्टोरेज मिलने वाली है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो आपको आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस में आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा 48 MP का और 12 MP का कैमरा, वहीं आपको आईफोन 16 प्रो में देखने को मिलेगा 48 MP कैमरा जो वाइड कैमरा है और 12 MP कैमरा जो आपको 5x जूमिंग तक करके देने वाला है, और तीसरा कैमरा भी आपको 12 MP का मिलने वाला है जो कि अल्ट्रा वाइड है। अब बात कर लेते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स के कैमरे के बारे में। तो इसमें भी आपको 48 MP कैमरा मिलने वाला है जो वाइड कैमरा है, और इसमें 12 MP कैमरा दिया जाएगा आपको जिसमें 5x ऑप्टिकल जूमिंग है, और इसमें फिर तीसरा कैमरा आपको दिया जाता है 48 MP का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और इसमें आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सभी में आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा 12 MP का जो इसमें आप 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं गाइस।